हाय एवरीवन, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपको बहुत बहुत प्यार। आज के इस वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो कौन से ऐसे चार टाइप्स के क्लाइंट्स हैं आपके वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस में, जो आपको समझना जानना बहुत ज़रूरी है। कौन सा क्लाइंट आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड देगा और हर क्लाइंट के साथ किस तरीके से आपको डील करना है, ट्रीट करना है, मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप ये साइंस समझ गए तो आपको पता लग जाएगा कि किस टाइम पे किस क्लाइंट के साथ कितनी मेहनत करनी है, ठीक है। कौन सा क्लाइंट आपकी नाक में दम कर देगा, कौन सा क्लाइंट आपको कम मेहनत कराएगा लेकिन रिवॉर्ड बहुत देगा, और कौन सा क्लाइंट किस तरीके से आपको रिवॉर्ड देगा, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसको आप अपने दूसरे बिजनेस के क्लाइंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं और ये नॉलेज आप ऑलमोस्ट हर तरीके के बिजनेस में डाल सकते हैं। और कैसे मैंने इसको अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस में यूज किया है, मैं आपको आज वो बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल्ला अंसारी है। मैं एक फोटोग्राफी बिजनेस कोच हूं, पूरे देश के अंदर मैं बताता हूं फोटोग्राफर्स को कि कैसे अपने फोटोग्राफी बिजनेस को ग्रो करें, दूसरे शहरों में ले जाएं और कैसे 2 से 5 लाख रुपए महीने की इनकम करें एंड प्रॉफिट करें। सो अभी आपके सामने मेरी स्क्रीन आएगी, ध्यान से देखिएगा, आपको दिख रहा होगा हाउ टू डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइंट्स एंड ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो कौन से चार वो क्लाइंट्स हैं? पहला, फर्स्ट ए से आएगा अमेजिंग क्लाइंट, ठीक है, ए फॉर अमेजिंग क्लाइंट। इसी तरीके से बी सी डी आएगा, मैं आपके सामने एक एक करके ओपन करूंगा। सो अमेजिंग क्लाइंट कौन होते हैं आपके वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस में, उसको समझते हैं। एक अमेजिंग क्लाइंट वो होता है जो आपसे आपको मेहनत कम कराएगा लेकिन रिवॉर्ड ज्यादा देगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी क्लाइंट का काम करते होंगे और जब आप उसका काम करते होंगे तो आपको लगता है कि यार मैंने क्या इतना अच्छा काम किया इस क्लाइंट का, और आपको डर लगता है। लेकिन उस क्लाइंट के लिए आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हो ना तो आपको बहुत ज्यादा रेफरेंस देता है लाके मार्केट से, बहुत ज्यादा लोगों को आपकी सर्विसेज के बारे में बताता है। इन शॉर्ट वो आपकी सर्विसेज से बहुत खुश रहता है। उस क्लाइंट को आपको कैसे ट्रीट करना है, अब मैं वो बताने वाला हूं। उस क्लाइंट को कभी भी हल्के में मत लीजिए। अगर वो खुश है तो आप ये देखिए कि आप उसको कैसे और खुश कर सकते हैं। जैसे ही आपने उसको और खुश कर दिया तो वो आपको रेफरेंस, आपका बिजनेस डबल ट्रिपल कर देगा, राइट। और कभी कभी फोटोग्राफर जो उनके हैप्पी क्लाइंट्स होते हैं उनको ना बहुत ज्यादा अच्छे से, मतलब उनके लिए और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर, लेकिन अमेजिंग क्लाइंट के साथ हमेशा ये सोचिए कि मैं और कैसे इसके लिए बेस्ट कर सकता हूं। आप देखिए, आपके पास बिजनेस में ऐसे क्लाइंट होंगे जिनके लिए आपने मेहनत बहुत कम की होगी लेकिन उन्होंने आपको रिवॉर्ड बहुत ज्यादा दिया होगा। तो ये जो क्लाइंट होते हैं ना, ये लो एफर्ट हाई रिवॉर्ड होते हैं, मतलब आप इन पे मेहनत करेंगे कम लेकिन रिवॉर्ड मिलेगा बहुत ज्यादा। इन क्लाइंट को क्या करना है, और ज्यादा इनके लिए मेहनत करनी है, इनको और खुश रखना है, इनको और अच्छे से ट्रीट करना है और इनको हमेशा खुश करते रहना है, राइट। सो दिस इज अमेजिंग क्लाइंट। नाउ कमिंग टू द ब्रेड विनिंग कस्टमर। अब ब्रेड विनिंग कौन है उस पर चलते हैं, लेट मी जस्ट शो यू दैट। अब दूसरा जो क्लाइंट है उसको समझिए, उसकी जो गुत्थी है बहुत अलग है, समझिएगा। सो ये जो दूसरा क्लाइंट है इसको बोलते हैं बी टाइप ऑफ क्लाइंट और इसको बोलते हैं ब्रेड विनिंग क्लाइंट। कौन है ये ब्रेड विनिंग क्लाइंट। अब ब्रेड विनिंग क्लाइंट कौन है, ये आपके बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे, ठीक है, ये ज्यादातर आपको मिलेंगे। ये वो क्लाइंट है जिन पे आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा, कम मेहनत करोगे कम रिवॉर्ड मिलेगा, हाई एफर्ट करोगे तो हाई रिवॉर्ड मिलेगा। बहुत अच्छे से इंगेज होकर काम करोगे तो आपको रेफरेंस भी उसी हिसाब से मिलेंगे, कम मेहनत करोगे तो लो उसी तरीके से लो रिवॉर्ड मिलेगा। ये वाले क्लाइंट आपके बिजनेस के अंदर, ये दो कैटेगरीज के क्लाइंट्स, अमेजिंग क्लाइंट्स ए क्लाइंट और बी क्लाइंट, ये सबसे ज्यादा होंगे और इनका अपने ध्यान रखना है, बहुत स्पेशल, राइट। ब्रेड विनिंग आपके बिजनेस में आते रहेंगे, इनके साथ भी मेहनत करते रहिए बहुत अच्छे से, और अमेजिंग क्लाइंट का ज्यादा ध्यान रखिए क्योंकि ये जो क्लाइंट होंगे ना, ये आपके बिजनेस में लगभग 20% आएंगे, 20% आएंगे, लेकिन ये आपको काम ना लगभग 70-80% दे देंगे। ये ऐसे क्लाइंट होते हैं, इनको हमेशा खुश रखें। ब्रेड विनिंग आते रहेंगे, इनको आने दी। जो तीसरे कैटेगरी के जो क्लाइंट है इसको बोलते हैं कन्वीनियंस क्लाइंट। क्या बोलते हैं इनको? कन्वीनियंस क्लाइंट। अब ये क्लाइंट ना बहुत शाणे होते हैं। शाणे का मतलब मैं आपको बताता हूं, मतलब ये वो क्लाइंट है जो ना इंतजार में लगे रहते हैं कि इनको काम से मतलब कम प्राइस से ज्यादा होता है। ये कन्वीनियंस क्लाइंट है। कन्वीनियंस क्लाइंट का मतलब क्या, जैसे ही आपने इनको कोई बेस्टर ऑफर दिया, जैसे ही आपने इनको एक बेटर ऑफर दिया, ये उसको लेने के लिए लपक जाएंगे। आपके पास कोई स्पेशल ऑफर आया, सपोज करो आपने इनको एक लाख रुपए का आपने इनको कोटेशन दिया और आपने बोला कि चलिए आपके लिए 1 लाख और 1 लाख रुपए हम करते हैं, लेकिन आप क्योंकि रेफरेंस आए हैं या आपके पास आपका बजट कम है तो मैं इसको आपके लिए 70,000 कर देता हूं, या जो भी आपने प्राइस कम। ये क्लाइंट हमेशा बजट फोकस होते, इनके लिए कस्टमर लॉयलिटी कुछ नहीं होता। अगर आज आपने कम प्राइस दिया आपके पास रहेंगे, कल दूसरे ने कम दे दिया चले जाएंगे। जैसे मेरा एक बर्थडे क्लाइंट था, उसको बहुत पहले की बात है, मैं उसको लगभग 3,500-4,000 में शूट देता था, बहुत शुरू के दिन की बात बता रहा हूँ जब काम स्टार्ट किया था। तो फिर मैंने उसको बोला कि भाई अभी प्राइस ना 5,000 रुपये हो गया बर्थडे फोटोग्राफी का, इतना आपको मिनिमम पे करना पड़ेगा। जिस दिन से मैंने उनको 5,000 बोला उस दिन से वो गायब हो गया, ठीक है। तो ये होता है कन्वीनियंस क्लाइंट, ये हमेशा
ये हमेशा ताक में लगे रहते हैं कब प्राइस कम हो और कब मुझे सस्ता मजबूत टिकाऊ फोटोग्राफर मिले। तो ये अगर आ रहे हैं ना तो इनको आने दीजिए, इनको रोकिए नहीं, लेकिन इनको लाने के लिए मार्केटिंग मत कीजिए, इनके पीछे मत पड़िए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास एक क्लाइंट ऐसा दिख रहा है आपको और आपको पता है कि वो बहुत ज्यादा आपको निचोड़ रहा है नींबू की तरह, फिर भी उसके पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। कन्वीनियंस क्लाइंट है ये, क्लाइंट अगर आ भी जाएगा ना बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करेगा और बस इसको प्राइस से मतलब रहेगा। तो अगर आ रहा है कोई आपके पास रेफरेंस आ रहा है और बोल रहा है देखो ये प्राइस मेरा बजट है, इस पे डन करना है, कर सकते हो तो कर दो, और अगर आपको वो पड़ता खाता है, लगता है कि यू कैन डू इट, यू जस्ट गो एंड डू इट, लेकिन इसको एक्टिवली मार्केट मत कीजिए। लेकिन अब जो फोर्थ कैटेगरी ऑफ जो क्लाइंट है वो सबसे अलग है और इसको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और आपको मजा आ जाएगा। ये वाला जो क्लाइंट है इसको बोलते हैं डी और इसका नाम है डेंजरस क्लाइंट। ये डेंजरस क्लाइंट है और ये हमारे फोटोग्राफी बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आप इसके साथ उल्टा होगा, आप जितना एफर्ट करोगे, हाई एफर्ट करोगे, ये आपको उतना ही कम देगा, लो रिवॉर्ड देगा। जितनी मेहनत करोगे उतना ही कम रिवॉर्ड देगा। ये वो क्लाइंट है जो किसी दूसरे प्रजाति के होते हैं, ये किसी दूसरी धरती पे पाए जाते हैं, किसी दूसरे प्लेनेट पे पाए जाते हैं। ये वो क्लाइंट है, आप उसको कितना ही खुश कर लो, कितनी ही मेहनत कर लो, लेकिन ये हमेशा आपके काम में कमी निकालेंगे, हमेशा। आप एक चीज सॉल्व करेंगे ये दूसरी कमी निकाल के ले आएंगे, आप दूसरा सॉल्व करेंगे ये तीसरा निकाल के ले आएंगे। ये कभी भी खुश नहीं होंगे, ये कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, और इनके साथ अगर आपने काम किया तो एक बुरे सपने जैसा, एक नाइटमेयर जैसा आपको लगेगा कि बस मैं इसका काम कंप्लीट करूं और मैं इससे पीछा छुड़ाऊं। ये वो क्लाइंट, ऐसे क्लाइंट को कैसे डील करना है, कैसे ट्रीट करना है, मैं आपको बताता हूं। इन क्लाइंट को खुश करने में नहीं लगे रहना है, क्योंकि जितना आप इनको खुश करेंगे ना उतना इनकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट आए हैं मेरे फोटोग्राफी बिजनेस में और ये मैंने बहुत देर से समझा अपने फोटोग्राफी बिजनेस में। शायद मुझे आप जैसे मैं आज आपको गाइड कर रहा हूं, अगर मुझे ऐसा कोई गाइड करने वाला बहुत पहले मिलता तो शायद बहुत चीजें अलग होती आज। और मैं हमेशा इनको खुश करने में लगा रहता था, लेकिन इनको खुश नहीं करना है। इनसे अगर आप कोई ज्यादा तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो आप इनको एक बात बोल दीजिए कि इनका जो भी नाम है, सपोज करिए इनका नाम विशाल है, आप बोलिए विशाल शायद हम आपका काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपसे काम करना आपके साथ हमारे लिए बहुत टफ हो रहा है, क्योंकि आपकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं और हमें नहीं लगता हम आपको फुलफिल करेंगे। आप हमारे ऑफिस आइए, अपना डेटा लीजिए, जो भी आपका हिसाब किताब बैठता है आप लेके जाइए, हम आपका काम नहीं कर पाएंगे, वी आर सो सॉरी। और जैसे ही आप इसको ये बात बोलेंगे ना, वो तिलमिला जाएगा, उसको गिल्ट फील हो जाएगा कि उसने किसी को इतना परेशान कर दिया, वो आप गिव अप कर बैठा। ये क्लाइंट आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, ये क्या करेंगे, दूसरे क्लाइंट से, दूसरे फोटोग्राफर से कुछ चीज़ सुनेंगे, कुछ सर्विस सुनेंगे और आपसे उसी प्राइस में डिमांड करेंगे, ठीक है। ये निचोड़ेंगे नींबू की तरह। और इनसे सबसे आसान तरीका, इनके सामने हाथ जोड़ दीजिए। एक अपनी पर्सनल स्टोरी सुनाता हूँ। एक वेडिंग क्लाइंट थी मेरी, कुछ टाइम पहले की बात है, उनका हमने शूट किया, मैं गया था उनकी मीटिंग को डन करने, क्लाइंट को डील को क्रैक किया। क्रैक करने के बाद मैं उनके साथ जब वेडिंग हो गया तो उनकी बहुत अनरीजनेबल डिमांड्स आने लगी। वो बोलते हैं कि हमारे स्विमिंग पूल पे जो दिए की फोटो थी वो आपने क्यों नहीं खींची क्लोजअप। अब एक वेडिंग के अंदर इंसान की फोटो अच्छे से कैंडिड से आ जाए उस पे इंसान का फोकस रहता है, उनको दिए की क्लोज फोटो चाहिए। हमने उसकी फोटो निकाल के दे दी, फिर उन्होंने बोला कि हमारी इसकी फोटो नहीं है, उसकी फोटो नहीं है, हमको बहुत परेशान करने लगे। जूम कॉल में मैं बैठा इनके साथ, तब ये ज्ञान मुझे मिल चुका था जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं। मैंने बोला, उनका नाम सपोज करिए, उनका नाम राशि मान लेते हैं, राशि। मैंने बोला, राशि आप ऐसा है, हम आपका काम नहीं कर पाएंगे, वी आर सो आई एम सो सॉरी, आपके साथ डील करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, मैंने बहुत क्लाइंट किए हैं लेकिन आपकी डिमांड्स बहुत अनरीजनेबल हैं, मैं यहाँ से आपका प्रोजेक्ट डिसॉल्व कर रहा हूँ, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, आप मेरे ऑफिस में आइए, आप अपना डेटा सारा लेके जाइए, कहीं और से एडिट करा लीजिए, जो भी आपका सेटलमेंट बैठता है वो कर लेते हैं, आप मैं आपके सामने गिव अप करता हूँ। जैसे ही मैंने उसको ये बोला वो ट्रैक पे आ गई, बोला उसको फील हो गया कि उसने मुझको बहुत परेशान कर दिया, हमारी टीम को बहुत परेशान कर दिया, और आज यू नो आज के टाइम पे उसको वो हमारी वन ऑफ द बेस्ट क्लाइंट है, क्योंकि उसको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया। जैसे ही वो बोला उसकी डिमांड बिल्कुल नीचे आ गई, वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार से बात करने लगी, ठीक है, और उसका काम भी बहुत इजीली हो गया, उसको समझ में आ गया कि यस जो मैं डिमांड कर रही हूँ ना वो बहुत ज़्यादा है, को आप सॉरी बोल दीजिए, राइट। इसमें कुछ गिवअप वाली बात नहीं है कि आपने गिवअप कर दिया या क्लाइंट चला गया, इसमें आप अपनी एनर्जी को क्लीन कर रहे हैं, और अपनी एनर्जी को क्लीन रखिए। आपका जो फोकस होना चाहिए वो सबसे ज़्यादा अमेजिंग क्लाइंट के साथ काम करने में होना चाहिए, फिर ब्रेड विनिंग, फिर कन्वीनियंस और डेंजरस। डेंजरस से काम ही नहीं करना है, डेंजरस आपके बिजनेस में आ जाता है गलती से, ठीक है, और आप फंस जाते हैं, उनको निकाल दीजिए, ठीक है। उनको बिजनेस के अंदर, बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा आप कस्टमर को
अट्रैक्ट करें। बिजनेस का मतलब ये भी होता है कि जो कस्टमर, जो क्लाइंट आपके बिजनेस के लिए फिट नहीं है, उन क्लाइंट्स को आप अपने बिजनेस से अलग कर दीजिए, उनको मत लीजिए, ठीक है। ये मतलब होता है एक्चुअल में बिजनेस का। हर तरीके के क्लाइंट आपको नहीं लेना है और हर तरीके का क्लाइंट आपके लिए बना भी नहीं है। और आप ये कभी मत सोचिए कि आप सारे क्लाइंट्स को खुश कर देंगे। ये हो ही नहीं सकता कि कोई फोटोग्राफर, कोई इंसान हर क्लाइंट को खुश कर दे। ये पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। मैं भी, जितने भी हमारे यूट्यूब के व्यूवर्स हैं, वो सब मुझे कमेंट बॉक्स में नेगेटिव कमेंट भी लिखते हैं। मैं सबको खुश नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं जिनके लिए कंटेंट बनाता हूँ, जिनको अच्छा लगता है, वो मेरे कंटेंट देखते हैं, मेरी वर्कशॉप में आते हैं और करते हैं, राइट। तो ये चार तरीके के क्लाइंट थे। अब दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारी अभी तक फ्री वर्कशॉप को ज्वाइन नहीं किया है, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस में मिनिमम 2 से 5 लाख रुपए के महीने पर प्रॉफिट्स बजाएं, तो उसका वर्कशॉप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप साइन अप कर लीजिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम्स में, कोर्सेज में इनरोल होना चाहते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। टीम के कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, बात कर सकते हैं। और आप हमारे फेसबुक के VIP ग्रुप में अगर अभी तक नहीं है, तो उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। बहुत सारा कंटेंट आपको उसके अंदर मिलेगा और आई होप कि आपको ये जो कंटेंट है बहुत मजा लगा हो, बहुत अच्छा लगा हो, और आप कैसे इसको अपने फोटोग्राफी बिजनेस में यूज करेंगे वो आपने देखना है, और कैसे मैंने यूज किया मैंने आपको बताया। एंड दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, एंड टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे स्पिरिचुअल एंड स्टे ब्लेस्ड। Thank you so much for your time and thank you so much for watching this till the end. God bless you. Thank you so much.